हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ। और मैं हूं अलीना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.7, जो कि दर्शाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और थोड़ी लंबी है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज फॉर डिकम्पोजिंग अ सब्सटेंस, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि हम लोग करंट पास करने से एक सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम लोग क्या करने वाले हैं लेना, क्या है ये, कुछ थोड़ा डिटेल में समझाओ। इसमें हम वाटर को डिकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करके। डिकम्पोज करेंगे मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलावट होके पानी बनता है, हम इनको अलग अलग कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो डिकम्पोजिशन होती है, एक रिएक्टेंट को तोड़ देना। ओके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तीन फैक्टर्स पे होता है, एक है लाइट, एक है हीट और एक है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। चलो तो फिर शुभकामना में देरी कैसी, बताओ क्या क्या सामान लगने वाला है इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी के लिए हमें 7 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला हमें चाहिए एक प्लास्टिक मग, और उसके बाद हमें चाहिए 2 रबर स्टॉपर्स, ठीक है, और थर्ड हमें चाहिए 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड। ओके। एक 6 वोल्ट की बैटरी। ओके। और हमें चाहिए है थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड थोड़ा पानी। हाँ पानी भी, और चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिविटी लंबी है, इसमें 11 स्टेप्स लगेंगे, तो अलीना स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 में हम हमारे प्लास्टिक मग के बेस में 2 होल्स ड्रिल कर लेंगे। ओके। और स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम इन्हीं होल्स में हमारे दोनों रबर स्टॉपर्स को फिट कर देंगे। ओके। और उसके बाद स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास जो हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, हम उनको हमारी रबर स्टॉपर्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे या फिर एक तरह से घुसा देंगे। ओके। स्टेप 4। स्टेप 4 में हम हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड्स को हमारी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। स्टेप 5। स्टेप 5 में हम हमारे प्लास्टिक मग में पानी भर लेंगे, इतना कि जितना हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड्स उस पानी में डूब जाए। जैसा कि विजुअल में दिख रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप 6। स्टेप 6 में हम इस पानी में थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालेंगे। ओके। स्टेप 7। स्टेप 7 में हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, उनमें अलग से पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद हम उनको कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा लगा देंगे या फिर उनको इन्वर्ट कर देंगे। ओके। ये तो हो गया। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, अगर रियल लाइफ में या रियल में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्टेप 8 क्या होगा। स्टेप 8 में हम हमारी बैटरी के स्विच को ऑन करेंगे ताकि करंट पास हो सके। और स्टेप 9। स्टेप 9 में हम हमारे एपरेटस को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। और यहीं से हमारी एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है। और ऑब्जर्वेशन 1 क्या है। थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे तो जो हमारी एनोड और कैथोड है, हम देखेंगे कि उनके पास में जो है बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं। ओके। जैसा कि हम देख सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन 2 क्या है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमारी बबल्स की वजह से टेस्ट ट्यूब में जो पानी था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ओके। तो ये चमत्कार, ये ऑब्जर्वेशंस के बाद हमें आगे की भी 2 स्टेप्स करने हैं, तो स्टेप नंबर 10 क्या रहेगा लेना। स्टेप नंबर 10 में क्योंकि हमारी टेस्ट ट्यूब्स में पानी का लेवल कम होने लगा है और ऊपर जो है गैस बनने लगी है, तो अब उन्हें बहुत केयरफुली टेस्ट ट्यूब्स को हम मग से बाहर निकालेंगे। ओके। और स्टेप नंबर 11 क्या होगा। लास्ट स्टेप में हम एक जलती हुई मोमबत्ती को इन टेस्ट ट्यूब्स के मुंह के पास लाएंगे, ये देखने के लिए कि जो गैस इन टेस्ट ट्यूब्स में है वो कौन सी है। ओके। और फिर हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे इसके। इस एक्टिविटी के 2 रिजल्ट हैं। लेट मी गेस, जो पहला रिजल्ट है वो ये रहा होगा कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब पे जब हम कैंडल लेके गए तो उसमें आग जली होगी और एक पॉप साउंड के साथ जली होगी, और ये हमारी पहचान होती है हाइड्रोजन गैस की। तो हमारा रिजल्ट 2 ये है
कि जब हमने कैंडल को सेकेंड टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए तो उसमें जो फ्लेम हुआ वो ब्राइट था और कोई आवाज़ नहीं थी। जो के पहचान होती है हमारी ऑक्सीजन गैस की। बिल्कुल। ऑल रिजल्ट 3 क्या है लीना? रिजल्ट 3 ये है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और जो कैथोड है उस पर जो गैस है उसका नाम है, हाइड्रोजन। यस। काशिप मुझे एक बात बताओ कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जो गैस भरी है क्या उसकी वॉल्यूम सेम है? अलेना, जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो हमारा वाटर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो है H2O, यानी कि H के एटम्स 2 और OK1। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाइड्रोजन की वॉल्यूम जो है वो डबल रहेगी ऑक्सीजन से। क्या बिल्कुल बोलती हो? सही, बिल्कुल सही। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पाएंगे कि जो हमारी हाइड्रोजन की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो है गैस ज़्यादा है और पानी का लेवल कम है, और दूसरी तरफ जो हमारी ऑक्सीजन गैस वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें जो है पानी का लेवल ज़्यादा है और गैस का जो जगह है वो कम है, लेवल लेवल कम है। ओके। तो इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं कि हमारी इस एक्टिविटी में पानी इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, जो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल थी ऑक्सीजन से, और जिसकी इक्वेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी सेकेंड सूटेबल कंडीशन की एक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो पूरी होती है। और गाइस, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मीनवाइल, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सरसाइज। हास्ता ला विस्ता।